देश भर में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महिला कांग्रेस ने जहां शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, वहीं जिला शिमला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और मांग की कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार को जहां इस कोरोना संकट में लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। देश में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली और डीसी ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। महिला कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की है और ये भी कहा कि यदि दाम कम नहीं किए जाते तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू करेगी। महिला कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर अपना खजाना भरने में लगी है और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। बनी है तब से लेकर आज तक इन्होंने हर वर्ग का जीना मुहाल करके रख दिया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 21 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है। एक तरफ तो भाजपा सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? किसानों को कहते हैं कि आपकी आय जो है वो हम दोगुनी करने जा रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि जितने भी किसान हैं वो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का सबसे ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं और सारी कृषि जो है वो डीजल पर निर्भर करती है। और अभी हम बोलना चाहते हैं कि अभी सेब का सीजन भी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है। हमारे किसान है, हमारे बागवान है, जिनके अभी कैसे वो अपना जो माल है वो कैसे आगे भेजेंगे? अगर उनका माल सही दामों में नहीं बिकेगा तो वो उनकी जो रोजमर्रा की आमदनी है, जो अपने परिवार को किस तरह से वो पालेंगे, ये भाजपा सरकार ने कभी भी नहीं सोचा। आपने देखा होगा टैक्सी चालक है, ऑटो चला रहे हैं, उन लोगों का आप देखिए कि डीजल कितना महंगा हो गया। और बार बार भाजपा सरकार कहती है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने करके दिखाया। बिल्कुल सही बोलते हैं, ये पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम जो है वो पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा जिला शिमला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, साथ ही मांग की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार को जहां इस कोरोना संकट में लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि जब डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 22 दिन से लगभग पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं वो डे बाय डे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि शायद ये इतिहास हो गया अभी तक का कि आज तक कभी भी इतने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े नहीं थे, जबकि क्रूड ऑयल के जो रेट हैं आज पानी से भी कम हो चुके हैं। डीजल के रेट जो हैं पहली बारी इतिहास में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से भी ज़्यादा हुए हैं। इससे जो है जो डीजल के रेट बढ़े हैं उससे हर आम आदमी की जेब को फर्क पड़ेगा। आप देखिए, डीजल महंगा होने से किसान हो, बागवान हो, मजदूर हो या ट्रांसपोर्टर हो, सभी को डीजल के महंगे होने का इम्पैक्ट जो है भुगतना पड़ेगा। जो आम जनता है उसको ये इम्पैक्ट महंगाई के रूप में भुगतना पड़ेगा। एक तो कोरोना काल में वैसे ही इतनी बेरोजगारी हो गई, लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं, है ना जी, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं, गरीब आदमी को रोज़गार नहीं मिला 2 महीने। आज हालत ये हो गई है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, उसके बाद सरकार ने ये ऐसा चीज़ कर दी जिससे आम आदमी की जो जेब है वो पहले पैसा उसमें नहीं है, वो भी भूखे मरने की पोजीशन पर लोगों को ला के खड़ा कर दिया है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से डिमांड है, डीसी साहब को हमने आज मेमोरेंडम दिया है जो राष्ट्रपति जी को जाएगा, कि जो ये पेट्रोल और डीजल के रेट हाइक्स हुए हैं इनको कम किया जाए ताकि जो है महंगाई का जो मार लोगों पे पड़ने वाली है उससे बचाव हो सके। डीजल और पेट्रोल की कीमतों की जो वृद्धि हो रही है, ये आपको पता है पिछले 21 दिन से हर रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि डीजल तकरीबन 11 रुपये और पेट्रोल जो है वो 9-9.25 रुपये के करीब जो है पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। हमारा कहना यह है कि एक तरफ जहाँ देश में कोरोना महामारी का कहर पड़ा है,
जहाँ तकरीबन देश के अंदर रोज 20,000 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, देश इस चीज़ से जूझ रहा है। और एक तरफ हम हमारे जितने भी विदेशों के साथ जो है हमारे बॉर्डर जो है वो सब जगह पे तनाव है, हर जगह से कोई ना कोई खबर सुनने को मिल रही है। और मोदी सरकार जो है देश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है महंगाई से, हर एक आदमी जो है आज त्रस्त है। और हमारा सरकार से ये अनुरोध है ऐसे वक्त में इन चीज़ों के रेट ना बढ़े। पहले ही लोगों के बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, हर एक कारोबार लोगों के बंद है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़ी है, लोग जो है लोगों के लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। और सरकार जो है इस तरह के जन विरोधी फैसले ले रही है। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इन डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है इसे जल्द से जल्द वापस लें ताकि लोगों को जो है राहत दी जाए। जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि हुई है पूरे देश के अंदर, और भाजपा ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश में लगातार 22 दिनों से पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य वृद्धि है लगातार हुई है। इससे आम जनता त्रस्त हुई है, आम जनता को बड़ा धक्का लगा है, उसकी जेब पे डाका डाला गया है केंद्र सरकार द्वारा। आज इसी विषय पर हमने ये ज्ञापन देकर कि मूल्य वृद्धि पे टैक्स कम किया जाए, क्योंकि $42 प्रति बैरल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज क्रूड ऑयल का मूल्य है, उसके हिसाब से पेट्रोल कम से कम हमारे प्रदेश या देश के अंदर तकरीबन 55 से 60 रुपये के बीच होना चाहिए। पर भाजपा की सरकार जब से आई है इन्होंने पूरे वर्ग को, हर प्रदेश के नागरिक को, हर देश के नागरिक को लूटा है। तो आज यही ज्ञापन हम लोग यहाँ देखे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।